हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिगिनर्स के लिए मोहनथाल बनाने जा रहे हैं। मैंने दो टाइप के मोहनथाल यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ है, एक तो मलाई वाला और दूसरा जो ट्रेडिशनल है वो दानेदार वाला। आज मैं आपको एकदम सरल रीत बताती हूँ, जिसमें कोई शक्कर का माप नहीं लेना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है और बहुत झटपट और सबसे स्वादिष्ट बनता है। यह बिगिनर्स के लिए एकदम इजी हो जाएगा बनाना। आइए हम इसे बनाते हैं। मैंने यह 250 ग्राम जितना बेसन ले लिया है, घर का घी गरम किया हुआ एक चम्मच ले लिया है, यह पांचवें नंबर का चम्मच है माप के हिसाब से, और मैंने यह 60 ml जितना दूध लिया है। इसमें से हमको जितना लगेगा हम उस हिसाब से चम्मच से डालते जाएंगे। मैंने यह चौथे नंबर का चम्मच लिया है, मैं पहले 3 चम्मच डाल रही हूँ। दूध थोड़ा आप गरम लीजिए, घी भी थोड़ा गरम लीजिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। आप एकदम बारीक बेसन लीजिए और इसे इस तरह से धाबा देकर दानेदार बनाइए, जिससे मोहनथाल खाने में बहुत स्मूथ लगता है। हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसे 5 मिनट हो गए हैं। बाउल ले लिया है बड़ा सा, और इसमें गेहूं की चलनी लीजिए आप बड़े दाने की, जिससे यह एकदम दानेदार, सेकने के बाद भी थोड़ा थोड़ा टूटता है लेकिन इससे यह तो भी दानेदार रहेगा। इसे इस तरह से डाल के आप इसे इस तरह से पूरा छान लेंगे। हमने इसे पूरी तरह से छान लिया है और यह देखिए कितने परफेक्ट दानेदार हो गए। इसे भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे दाने थोड़े अच्छे हो जाए। हमने एक निर्लेप पैन ले लिया है। हम इसमें सारा बेसन डाल देंगे। हम इसमें यह 6 स्पून, 5वें नंबर की सबसे बड़ी है, यह भर के हम घी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे। यह एकदम परफेक्ट माप है। इसे हम गैस पे अच्छे से सेक लेंगे। हम इसे गैस पे सेकने के लिए रख दिया है और स्लो गैस पे। इसे सेकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम सेकेंगे। हमने यह मिल्क अमूल के मिल्क मेड का डब्बा ले लिया है। यह 400 ग्राम का डब्बा है। 20 मिनट जितना टाइम हो गया, हम ब्राउन होने तक सेकना है। इसे हम खोल लेंगे। इसे पूरे 25 मिनट हो गए हैं। हम इसे 5 मिनट और सेकेंगे। इसमें हमने आधा कप दूध लिया है, आधा छोटा कटोरी दूध लिया है, 30 ग्राम जितना। ये हम डाल देंगे। इस टाइम हम गैस फास्ट करेंगे। दस मिनट के लिए इसे सेकेंगे। इसमें हमने जिस कटोरी से बेसन दिया था, उस कटोरी से 2 कटोरी हम मिल्क मेड डालेंगे। हमने पूरे 2 कटोरी मिल्क मेड, हमने पूरे 2 कटोरी भर के मिल्क मेड डाल दिया है। इसे हम फास्ट गैस में मिक्स करेंगे और इसे तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक यह पैन छोड़ने ना लग जाए।
और ठीक कंसिस्टेंसी ना हो जाए। इसमें ना तो हमें चाशनी की ज़रूर है ना शक्कर के मेजरमेंट की। हमने गैस स्लो कर दिया है, हमने पैन छोड़ना चालू कर दिया है। हम इसमें एक चम्मच इलायची जायफल का पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। पॉट ले लिया है, इस पे मैंने बटर पेपर लगा के इसे अच्छे घी से, इसमें हमने सारा सेका हुआ मूंगफली डाल दिया। इसे कटोरी की मदद से मैं प्रेस कर रही हूँ, किनारी में सब छोटे चम्मच से कर रही हूँ चारों तरफ से। इसे हम पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। इसे कटोरी की मदद से हम थोड़ा दबा लें। और इसे 2 घंटा ठंडा करने के लिए हम बाहर टेबल पे छोड़ देंगे। इलायची जायफल के पाउडर का रेसिपी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। इसे आधा घंटा हो गया है, यह थोड़ा गर्म है तभी हम इसके स्क्वायर कर लेंगे। यह थोड़ा गर्म है तभी आप इसके स्क्वायर कर लीजिए। और इसे हम अब 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रहन देंगे। इसे पूरे 2 घंटे हो गए, हम इसे उठा के प्लेट में रखेंगे। इसके हम टुकड़े निकाल के आपको बताते हैं। यह देखिए इसके टुकड़े, इसी ट्रे में रख देंगे। इस तरह हमारी यह मूंगफली की रेसिपी तैयार हो गई। हम इसे ढक्कन से ढक के टेबल पे रख देंगे। इस तरह हमारा यह मूंगफली बन के तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधाश किचन से सुधाश शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।